सेट नंबर 41, फर्स्ट क्वेश्चन, एक मोल में कितने कण होते हैं? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि एम्पिरिकल सूत्र CH2 है तो यौगिक क्या है? तो सी इसका राइट है, एल्केन। सोडियम परमाणु भार 23, परमाणु संख्या 11 के नाभिक में न्यूट्रॉन होंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, 12 होंगे। अगला है, निम्नलिखित परमाणु अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो डी इसका राइट है, संलयन अभिक्रिया। अगला है, कपड़े को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं? तो सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, अति उज्ज्वल स्वरूप के कारण। अगला है, आहार श्रृंखला की शुरुआत के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य है? सी हरे पौधे। Na2 का सही रासायनिक नाम क्या है? तो 22 का हो जाएगा आपका राइट आंसर, बी राइट है, ठीक है, एनिलीन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक में होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, परमाणु क्रमांक। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा नहीं है? पैनक्रियाज ग्रंथि नहीं है अंतःस्रावी। अगला है, निम्न में से किसे शक्ति का भंडार कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, सेल की शक्ति का भंडार। यकृत भोजन को किस रूप में संचयन करता है? तो डी बी इसका राइट है, ग्लाइकोजन के द्वारा। ट्रेकोमा, ये बीमारी शरीर के किस अंग से संबंधित है? ट्रेकोमा है आंख से संबंधित। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन खोज की थी चैडविक ने। वाट किसकी इकाई है? वाट इकाई है शक्ति की। जब किसी घड़ी में चाबी भरी जाती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो स्थितित ऊर्जा उत्पन्न होती है। विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक इस्तेमाल किया जाता है? तो डी इसका राइट है, अस्थायी चुंबक। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो ई इसका राइट आंसर है। अगला है, गतित ऊर्जा मालूम करने का सही सूत्र क्या है? तो सी इसका राइट है, निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो सी इसका राइट है, विस्थापन। मरीचिका प्रकाशीय दृष्टि भ्रम होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ओके फ्रेंड्स, सेट नंबर है 42, फर्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन क्रिया कहाँ होती है? तो 20 का राइट है, हाइड्रोजन बम। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस या फिर कौन सी हवा भरी जाती है? तो आर्गन भरी जाती है। एक स्थायी वस्तु में क्या होता है? तो उसमें ऊर्जा होती है। अगला है, ध्वनि तरंगों की गतिशीलता तभी संभव है जब तक वह माध्यम हो। अगला है, उन्नोत्तर शीशे में बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा अप्रतिबिंधित और सीधा होगा। अगला है, बर्नियर कैलिपर्स का अल्पनांक होता है? तो सी इसका राइट है, 0.01 सेंटीमीटर। विद्युत वाहक बल्ब किसकी इकाई होती है? विद्युत वाहक बल्ब किसकी इकाई होती है? तो सी इसका राइट है, वोल्ट। निम्न में से किस किरण की तरंगी लंबाई सबसे कम होती है? तो ए इसका राइट है, अल्फा रे की। कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर क्या उत्पन्न करता है? तो सी इसका राइट है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, आवर्ती सारणी में रासायनिक तत्व को उनकी परमाणु भार की बढ़ती हुई संख्या में किसने अवस्थित किया था? तो ए इसका राइट है, मेंडलीफ ने। अगला क्वेश्चन है, एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो सी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईंधन के लिए उपयोग में आता है? तो 27 का आपका राइट हो जाएगा, बी, C4H10। हाइड्रोक्लोरिन अम्ल एक धातु की अभिक्रिया से क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर H2 है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मार्स गैस कौन सी है? मार्स गैस कौन सी है? CH4। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गलत है? तो कौन सा इनमें समीकरण गलत है? ये सही है, ये गलत है, बी इसमें गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका।